आज का हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपने फिटनेस गोल्स के लिए पूरे दिन में क्या क्या डाइट लेता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक वेजिटेरियन हूं और मेरी जो डाइट रहेगी वो भी कुछ ज़्यादा महंगी नहीं रहेगी, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हूं। लेकिन ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, इसमें भी मेरी एक अच्छी फिटनेस बन रही है। अभी तो मैं बल्किंग कर रहा हूं, मतलब मैं वेट गेन कर रहा हूं, तो उससे रिलेटेड मैं पूरे दिन में जो कुछ भी खाऊंगा वो सब कुछ आपके साथ में शेयर करूंगा इस वीडियो में। और हमारी जो मील्स रहेंगी वो दिन में 5 मील्स रहेंगी। तो वीडियो शुरू करते हैं हमारी मील नंबर 1 से। पहली मील है वो मेरी ब्रेकफास्ट रहती है, और ब्रेकफास्ट मैं लेता हूँ 9 बजे के आसपास में। और ब्रेकफास्ट में मैं ले रहा हूँ चार रोटी रहती हैं, और इसके साथ में घर में जो भी सब्ज़ी बनी है, तो आज घर में कढ़ी बनी है, तो कढ़ी के साथ में मैं एक चम्मच घी ले रहा हूँ, या फिर कोई भी सब्ज़ी बनी होती है तो मैं एक चम्मच घी जरूर लेता हूँ कैलोरीज बढ़ाने के लिए और हेल्दी फैट्स के लिए। और उसके साथ में मैं ले रहा हूँ 50 ग्राम ओट्स, ये 50 ग्राम ओट्स हैं, और साथ में एक केला। तो ये पूरी कंप्लीट ब्रेकफास्ट रहती है, और इसके मैक्रोज आपको वीडियो में दिख रहे होंगे सामने। तो अभी मैं इसे फिनिश कर लेता हूँ और फिर मिलेंगे हम अपनी मील नंबर 2 में। अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और मेरी दूसरी मील का टाइम हो गया है, और मैं अपनी दूसरी मील में ले रहा हूँ ब्रेड, और ब्रेड के साथ में 1.5 स्पून पीनट बटर, और उसके साथ में ये काले चने। काले चने प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स का काफ़ी अच्छा सोर्स होते हैं। ऐसे तो मैं ब्राउन ब्रेड लेता हूँ, लेकिन ब्राउन ब्रेड मिले नहीं इसलिए ये वाइट ब्रेड ले रहा हूँ मैं, और ये साइज़ में छोटे भी हैं, इसलिए मैं 2 लेता था तो अभी मैं 3 ले रहा हूँ ताकि डाइट को मेंटेन करके रखूँ। तो इसके मैक्रोज कुछ इस तरह से होंगे। अभी हम मिलेंगे अपनी मील नंबर 3 में। अभी टाइम हो गया है तीसरी मील का, और तीसरी मील में 3 से 4 बजे के बीच में लेता हूँ, और इसमें मैं ले रहा हूँ दाल चावल, वाइट राइस ले रहा हूँ, और साथ में 1/2 स्पून देसी घी का। गेनिंग के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट मील है, क्योंकि इसमें कार्ब्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, लेकिन इसमें प्रोटीन थोड़ा कम रहेगा क्योंकि चावल में प्रोटीन नहीं होता। जब बात आती है गेनिंग की या फिर मास गेन करने की, तो वाइट राइस, दाल चावल को हम लोग स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि ये मील काफ़ी अच्छी रहती है उन लोगों के लिए जिन्होंने वेट गेन करना है। तो इसे लेने के बाद मैं 2.5-3 घंटे के बाद में मैं वर्कआउट करूँगा, और वर्कआउट के 1 घंटे के वर्कआउट के बाद में मैं अपनी पोस्ट वर्कआउट मील लूँगा। तो अब हम मिलते हैं अपनी पोस्ट वर्कआउट मील में। अब हर रोज़ चावल के साथ में मैं दाल ही नहीं लेता, कभी कभी मैं पनीर भी ऐड कर लेता हूँ, और कभी कभी मैं सोया चंक्स भी ऐड कर लेता हूँ। तो इससे मेरा जो प्रोटीन इंटेक है वो ऊपर नीचे होता रहता है। अगर जब मैं पनीर ऐड करता हूँ तो मेरा प्रोटीन इंटेक 125 ग्राम तो चला जाता है पूरे दिन में, और अगर मैं पनीर नहीं लेता या सिर्फ दाल ही लेता हूँ तो मेरा प्रोटीन इंटेक 100 ग्राम के आसपास में ही रहता है। अभी मैं अपना वर्कआउट करके आ गया हूँ, और आज मेरा लेग और शोल्डर डे था, तो अब मैं वर्कआउट के बाद में लूँगा वे प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है वो वे प्रोटीन कंसनट्रेट है, ना कि आइसोलेट, जो बजट में आता है वो वाला प्रोटीन ले रहा हूँ मैं। और एक स्कूप में वे प्रोटीन का लूँगा, जिसमें मुझे 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलेगा। और प्रोटीन लेने के बाद मैं 2 केले लूँगा, जो कि कार्ब्स का काफ़ी अच्छा सोर्स होते हैं। और उसके बाद में लूँगा मैं ब्रेड, जो वाइट ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड फिर से नहीं मिले मुझे, तो ब्राउन ब्रेड के 2 पीस लूँगा मैं यहाँ पर, और उसके साथ में 1.5 स्पून ऑफ पीनट बटर। तो ये रहेगी हमारी पोस्ट वर्कआउट मील, जो कि मैं लेता हूँ 7:30 से 8 बजे के बीच में। तो इससे मुझे प्रोटीन, कार्ब्स और हेल्दी फैट्स मिल जाता है, जो कि एक कंप्लीट मील हो जाती है बल्किंग के लिए या फिर गेनिंग के लिए। तो इस मील को लेने के बाद में मेरे पूरे दिन की 4 मील्स कंप्लीट हो जाएंगी, और इसके बाद में मैं लूँगा अपनी लास्ट मील, जो कि मेरी सोने से पहले रहेगी करीब 10-10:30 बजे के बीच में। तब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट मील में। अभी मैं ले रहा हूँ अपनी मील नंबर 5, और ये मेरे पूरे दिन की लास्ट मील है, और अभी बज रहे हैं करीब 10 रात के 10 बज रहे हैं अभी। और मेरी मील में है 300 ml मिल्क, और ये बिस्किट। तो बिस्किट का मैं 1/2 पैकेट लूँगा, आधा पैकेट खाऊँगा, और 300 ml मिल्क, और कभी कभी मैं इसमें आलमंड्स भी ऐड करता हूँ, आलमंड्स भी खा लेता हूँ। तो रात में सोने से पहले जो हमारी मील रहती है वो मैं लाइट मील लेता हूँ, क्योंकि अगर हैवी लूँगा तो रात में डाइजेशन से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैं सोने से पहले हमेशा लाइट मील लेता हूँ। तो ये है मेरे पूरे दिन का डाइट प्लान, जिसे मैं वर्किंग में ले रहा हूँ। तो अगर आप चाहो तो आप भी इसे फॉलो कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, तब के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।